हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूँ अभिलाष और आप देख रहे हैं TRF रिव्यू। हम एक हेडफोन लेके आए हैं क्योंकि पबजी स्टार्ट हो चुका है, तो फाइनली इसको आपको इसकी जरूर पड़ने वाली है। अगर इसकी ब्रांड की बात करें तो ये टेक्कॉम कंपनी का हेडफोन है, काफी अच्छा और काफी डिमांडेड प्रोडक्ट था, इसलिए हम इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग और रिव्यू करता रहूं। काफी हद तक लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दिया है, पर बहुत लोग अभी भी नहीं करते, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फ्री में सब्सक्राइब होता है तो प्लीज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसे कि आप इसका बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पे टेक्कॉम का ब्रांडिंग किया गया है, यहाँ पे इसका फोटो दिया गया है। हेडफोन का मॉडल नंबर की बात करें तो मॉडल नंबर है इसका 360 यूएसबी हेडफोन। या पीसी में कनेक्ट कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, गेमिंग खेल सकते हैं। अगर बैक साइड की बात करें दोस्तों, तो बैक साइड में सारे इसके फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्पीकर की साइज 40mm की दी गई है, बाकी सब डिटेल्स भी दिया गया है इसके अंदर। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस भी दिया गया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका MRP 1089 ऑलमोस्ट 1100 रुपये है। पर जहाँ से मैं ये परचेस करता हूँ वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स और उनका मोबाइल नंबर दे दूंगा। ये आपको 600 टू ऑलमोस्ट 700 तक आसपास मिल जाएगा, मतलब 20-25% तक आपको ये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि आप ये हेडफोन देख रहे हैं, ब्लैक कलर में हमारे पास अवेलेबल है अभी। ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी यूज़ किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्लास्टिक, और वॉइस आप बात करने के लिए भी इसके अंदर एक एक्स्ट्रा माइक दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये एडजस्टेबल भी होता है दोनों ही साइड से, आप अपनी हेड के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। केबल की बात करें तो केबल में कनेक्ट करने के लिए USB दिया गया है, USB पोर्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं। मुझे एक ये नेगेटिव पॉइंट लगा, इसमें 3.5mm जैक भी चाहिए था, ताकि हम अपने फ़ोन में भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर ये ओनली फॉर PC या लैपटॉप में ही कनेक्ट होगा। मतलब लाइव गेमिंग या इस तरह का साउंड सुनना चाहते हैं, म्यूजिक सुनना चाहते हैं, तभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। केबल लेंथ की बात करें दोस्तों, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। केबल लेंथ काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा केबल है, तो ये काफ़ी एक बेनिफिट वाली चीज़ है इसके अंदर। दोस्तों, इसका साउंड टेस्टिंग कर लेते हैं, इसका साउंड किस तरह से आता है। ये लाइव गेमिंग आप खेलते हैं तो आपको किस तरह से साउंड सामने वाले को आपका सुनाई दे रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। हम म्यूजिक भी प्ले करने वाले, ताकि आपको वो भी पता चल जाए कि इसका साउंड क्वालिटी किस तरह से है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एडजस्टेबल है, काफ़ी अच्छी बात है ये। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, एक छोटा सा डब्बी जैसा दिया गया है, उसके अंदर USB लिखा गया है। यहाँ से आप सारी चीज़ें इसे ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि सॉन्ग आपका नेक्स्ट करने के लिए, प्रीवियस करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। आपको म्यूट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे पावर ऑन होने के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और म्यूट करने के लिए भी एक ऑप्शन दिया गया, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि म्यूट होता है कि नहीं, ताकि आपको भी पता चलिए। चलिए तो दोस्तों, आपको मैं उसका साउंड सुना देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया है, ताकि आपको भी पता चले इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। अब जो आप साउंड सुनने वाले हैं वो इस हेडफोन से आने वाला है, तो सुन लीजिए दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल भी दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसका फुल वॉल्यूम है। मैं इसे लो कर रहा हूँ, ये बिल्कुल बंद हो चुका है, मतलब ये डेफिनेटली यूज़ करता है, वर्किंग कर रहा है ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब जो आगे आप साउंड सुनने वाले हैं वो मैंने इस हेडफोन से रिकॉर्डिंग किया, ताकि आपको भी पता चले सामने वाले को आपका साउंड किस तरह से आ रहा है, आपको ये परचेस करना चाहिए या नहीं, या आपकी यूज़फुल है क्या नहीं। तो दोस्तों, अभी आप जो साउंड सुनने वाले आगे का, वो इस हेडफोन से रिकॉर्डिंग किया है। दोस्तों, अब जो आगे का साउंड सुन रहे हैं वो हेडफोन कनेक्ट करने के बाद आपका साउंड है। ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो हेडफोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि साउंड किस तरह से आ रहा है। अगर आप लाइव गेम खेल रहे हैं या और कोई गेम खेल रहे हैं, स्ट्रीमिंग कर रहे हैं लाइव, तो आपको सामने वाले को आपका साउंड किस तरह से जा रहा है, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग किया, ताकि आपको भी पता चले आपको ये परचेस करना चाहिए या नहीं। डेफिनेटली मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। जो आप अभी जो साउंड सुन रहे हैं वो हेडफोन से साउंड आ रहा है। आई होप आपको बेनिफिट मिलेगा इस साउंड के रिगार्डिंग।
दोस्तों जैसे कि इस प्रोडक्ट रिगार्डिंग जो भी सारी डिटेल्स थी, सारे फीचर्स थे, मैंने सारे आपके साथ शेयर किए है। इसका बास क्वालिटी काफी अच्छा है, जैसे कि आप सुन सकते हैं। लेटेंसी मोड भी बिल्कुल भी आपको लगेगा नहीं इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया। तो काफी डिमांडेड और काफी अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको आसानी हो सके परचेस करने में। आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। Oh, oh, oh.